ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਉ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉਂ ਬਨ ਆਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ਇਹੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਸੰਤਨ ਸਿਉਂ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਨ ਸਿਉਂ ਬਿਉਹਾਰਾ ਸੰਤਨ ਸਿਉਂ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਟਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਤਨ ਮੌਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤਉ ਉਤਰਿਓ ਮਨ ਗਾ ਧੋਖਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਗੋ ਜੋ ਫਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲਿਖਾ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਭੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਿਉਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰਵਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰਵਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਰ ਵਰੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਮਾਰਗ ਹਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਚਲੇ। ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਸੰਤ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ
गाथा लिखण वाले सज्जन ने बड़ा बाखूबी एक गाथा राही बयान कीता है, कथा राही बयान कीता है भी उदा कर्म की है। उदा कर्म ये है, मैं कई बारी पहला भी बेनती की है, पुराने समय संग एक केंद्र सज्जन अपने पुत्र नू नाल लेके किसी सफर से निकलिया, किसी मंजिल ते उसने पहुँचना है, सवेर तो लैके शाम तक तुरदा रहा पर मंजिल हाली आई नहीं। सवेर तो लैके शाम तक सफर तय किया पर मंजिल ना आई। उस वेले वो जेड़ा बजुर्ग का पुत्र से वो थक गया तो उसने एक गल की, कह लगे बापू जिथे आपां जाना से वो सफर वो मंजिल किन्नी कु दूर है, तो अजो देख के सुनना। लैटर बंद करा यार, लैटर जी बंद करा। कह लगे भई जिथे आपां बापू पहुंचना है वो मंजिल किन्नी कु दूर है, तो उस बजुर्ग ने एक गल की, कह लगे बेटा वो मंजिल इथों तकरीबन 12 कु की दूरी ते है। शाम पै चुकी सी, सारा दिन सफर किया, ते बजुर्ग ने फिर हाली 12 कु दा पेंडा उस अपने पुत्र नू कह दिता भी 12 कु दा सफर हो रहा है, तवजो दे के सुनना भी संत दा कर्म की है। जदों 12 कु उस बच्चे पुत्र बजुर्गां दे ने सुने ते उन्हें कह दिता बापू हुण नहीं तुरिया जांदा, हुण सफर नहीं तय किया जाता क्योंकि सफर बहुत ज़्यादा है। बजुर्ग सियाणा सी, उन्हें सोचा किसी ढंग नाल इस नूं मंजिल ते पहुँचाना जरूरी है। वो कह लगे बेटा कोई बहुता ज़्यादा नहीं, 6 कु तू मैनू चुकी ते 6 कु मैं तेनू चुकांगा, इस तरह आपां पहुँच जावां। वो बच्चा बड़ा हैरान होया, कहन लगा पिता जी कमाल हो गई, इत्थे ते अपना शरीर लैके तुरना बड़ा मुश्किल है, ते तुसा कह दिता भी 6 कु तू चुकी 6 कु मैं तेनू चुकांगा, भला एक दूजे नू चुक के मंजिल ते किवें पहुँचांगा। ते उस बजुर्ग ने अगली गल की, कहन लगे बेटा असल विच शरीरक तौर ते चुकण दी गल नहीं, इस गल विच कुछ भाव है, इस गल दा कुछ अर्थ है, वो ये है भी 6 कु तू मैनू गल्लां सुनाई ते मैं तेरियां गल्लां सुनांगा, 6 कु मैं तेनू गल्लां सुनावांगा ते तू मेरियां गल्लां सुनी, बस इस तरह गल्लां सुनदियां करदियां आपां मंजिल ते पहुँच जावांगे। ये गल बजुर्ग ने अपने पुत्र नू कही। कोलों एक फकीर गुजरदा सी, उन्हें इन्हां दी गल पकड़ी ते जवाब फकीर ने गुजरदियां गुजरदियां उस महापुरश ने गुजरदियां गुजरदियां गल सुन ली, बई वो बाप कह रहा सी बेटा 6 कु तू मैनू गल्लां सुनाई 6 कु मैं तेनू गल्लां सुनावांगा, इस तरह गल्लां सुनदियां करदियां पहुँच जाएंगे। फकीर ने आखिया भी परोपकार करना चाहीदा, उन्हें इको दम अपनी रसना तो बोलिया, कह लगा भाई एक गल चेते रखियो, गल्लां करियो पर मंजिल दियां करियो, ये ना होवे गल्लां करदियां करदियां मंजिल ही भुल जाओ, किते रसरा रस्ता बदल जाए किसरे होर पासे चले जाओ। बस इन्ना ये कर्म है फकीर जेड़ा ये दसद, और ये बाणी विच भी दर्ज है। संत ये गल कहिंदा है, ये बचन कहिंदा है, गल्ली गल्लां सिरजनहार, रब दियां गल्लां करनियां, रब दा नाम जपना, रब दी कमाई करनी, ये ही मंजिल ते पहुँचन दा एक तरीका है, यही मंजिल ते जान दा एक रस्ता है, होर इस तो बाद कोई ढंग तरीका बिल्कुल नहीं।
संतां महापुरशां ने जिन्हां ने अपने जीवन विच कमाई की, जिन्हां ने अपने जीवन नूं पहलां हंडाया, जिन्हां ने अपने जीवन नूं गुरु के सवारे पहलां आप नखारिया ते फिर किसे नूं नखारन दी गल कही। आ थोड़े दिन होए ने महापुरशां दी इस बरसी दे संबंध विच सद्दा पत्र देंदिया देंदिया दास हंसाली पिंड फतेहगढ़ साहब तो थोड़ा जिहा उरा है बहुत वड्डे महापुरश संत बाबा अजीत सिंह जी, उस अस्थान ते पहुंचिया। महापुरशां दा दरवाजा बंद सी तो उन्होंने सद्दा पत्र देना सी तो उन्होंने उस कमरे विच बैठा दिता। सारे असी बैठ गए विचारां करन लग पए तो एक बजुर्ग उत्ते जो सानू गल्लां सुना रहा सी उह कहन लगा बई बरसी किन्हां दी है। असी बाबा जी दा नां लिया, उन्हूं याद आ गई, कहन लगा जिस कमरे विच तुसी बैठे हो ये उन्हां ज्ञानी जी दा बनाया होया, उन्हां दे हत्थां नाल बनाया होया। महापुरशां नूं उत्थे ज्ञानी शब्द नाल उस वेले वह कहिंदे सन ते पुराने साथी हाली भी उन्हां शब्दां नाल ही संबोधन करदे वी इह कमरा जिहड़ा है उन्हां दे हत्थां दा बनाया होया। मन विच सोचिया देखो शरीर है उन्होंने अपने हत्थां नाल ही बनाया, महापुरशां ने बनवाया, अनेक संगतां ने योगदान गुरु के सवारे पाया होवेगा, पर देखो किन्ना कु परोपकार वह हाली भी वह जगह कर रही है। ये महापुरशां की कमाई है। बाबा जी ने गुरु के सवारे महापुरशां के प्यार विच रह के आप जी भली भांत जानते हो, पहला बड़ू साहब की धरती ते रह के बहुत लम्मा समा अभ्यास किया। हंसाली भी महापुरख रहे, उस तो बाद श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहब वाले महापुरख तिन्हां दी सोबत विच रह के वह हर महापुरश तो यही पुछदे जिहड़ी आ पंक्ति हुणे ही आप जी ने कीर्तन श्रवण कीता है भी हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली, मैनू रस्ता दस। वो रस्ता मिलिया, वक्त आया, परमेश्वर ने हुण रस्ता दसण दी सेवा ला दित्ती। गुरु के सवारे फिर रस्ता उन्होंने दसिया, अनेक प्रेमी ने बड़े प्यार वाले ने। मैं बेनती करा भी जेड़ा बार परोपकार उन्होंने किया है गुरमुख संगीत दा जां जवद्दी टकसाल दी इस स्थापना दा जां गुरु के सवारे होर अनेक कार्ज किए ने बाहरों, ये सब नूं नज़र आ रहे ने, है भी ठीक है, पर जिस जिस दे अंदर उन्होंने भाग लाए ने सतगुरु पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है ते जिन्हां नूं उन्हां ने अंदर गुरु के प्यार विच एक गल दृढ़ कराई है वी सतगुरां दे चरणां विच जुड़ो। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कैसी समर्था दे, कैसी बरकत दे मालक ने, कैसी बख्शिश दे मालक ने, जिन्हां नूं ये गल समझाई है वह भली भांत जानदे ने। मौसम खराब हो चुका है, मैं बस ये बेनती करांगा भई गुरु प्यारे हो बड़े प्यार विच आप जी भेजे हो, ये कोई शक नहीं है। जो तीन दिनों तो महापुरखों की याद विच बैठे हो तुहाडा सब का बहुत ज़्यादा प्यार है, तन मन और धन करके तुसां बहुत सेवा की। इस बरसी नूं आपां मनाया है, मैं समूह संगत का दिल दियां गहराइयां विचों धन्नवाद करदा। पठानकोट धन्नवाद साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का है जिन्हां ने यह बख्शिश समागमां नूं सफल करन वाले वास्ते रहमतां कीतियां।
सेवादारा ने लंगर बनाने वालिया ने महान सेवा की, जोड़े सामने वालिया ने बड़ी महान सेवा की, सब्जी कटन वाले, सब्जी बनाने वाले, लंगर पकान वाले, जल छकान वाले, होर अनेक तरह दिया सेवावां करन वाले समूह सेवावां सेवादारां दा मैं धन्नवाद करदा। सतगुरु कृपा करे, आओ महापुरशां दी याद विच आपां सारे बैठे हाँ, गुर मंत्र दा जाप आप जी कुछ समा आपां करिए, कोई गल नहीं, आवें मौसम खराब है पर चलो हुण समाप्ति हो जानी है, गुरु साहिब जी की कृपा है, उपर छड है, कोई गल नहीं, सतगुरु बख्शिश करन, आपां दो चार मिनट वास्ते गुरमंत्र की धुन अलापनी है। सब तो पहला मैं बेनती करांगा आप जी चौंकड़े मार के बड़े प्यार सहित बैठो, अकागर चित मन करो, चौंकड़े मार के आप जी बैठो और किसी की भी रसना वांझी ना रहे, किसी की भी रसना वाहिगुरू जी के नाम तो खाली ना रहे। सब ने कृपा करनी, पहला दास बोलेगा, उस तो बाद समूह भाई भाइया ने बोलना, उस तो बाद समूह माइया बीबिया ने उच्ची आवाज ने कृपा करनी, सारे गज के आखो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सत्संग उच्ची आवाज न कृपा करो, सारे बड़े प्यार सहित आप जी बैठे हो, बस हुण समाप्ति होनी वाली, कृपा करो सारे जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। 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 वाहे गुरु वाहे
वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे